अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, जुम्मे का दिन है, मैं काफ़ी लेट उठा हूँ, बस अभी मैं नहाया हूँ और जुम्मे का दिन है तो अभी नमाज़ के लिए रेडी होते हैं। सबसे पहले हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ते के बाद फिर नमाज़ के लिए रेडी होते हैं। नाश्ते में है आज ब्रेड, शहद है और साथ में चाय है। तो बस जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर नमाज़ के लिए निकलते हैं। तो गाइस, अभी नमाज़ पढ़ ली है और अभी घर जाते हैं। तो गाइस, मैं भी अपने दोस्त के बर्ड्स के और साथ में रैबिट्स के सेटअप पे आया हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरी छत पे इतने अच्छे तरीके पे मुर्गे पाले हुए हैं, साथ में रैबिट्स भी पाली हैं। रैबिट्स आपको अभी दिखाई दे देंगी और यहाँ पे आप देखें इसने काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ पाली हुई हैं, काफ़ी एक से बढ़कर एक इसके पास मुर्गियाँ हैं। तो गाइस, ये आपने मुर्गियाँ देख ली, ये हाँ बस रेबिट्स हैं, वाइट एल्बिनो है, रेड आइज़ वाले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके पास मौजूद हैं। और साथ में ये हमारे पास और भी हैं जो मिक्स में है, वाइट ब्लैक में और साथ में ब्राउन में। और इसने मुझे कहा कि आप लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो एक दो। तो ये कुछ बच्चे थे उस टाइम हमारे सामने ही मर गए, तकरीबन मरे हुए 6 दाने थे, 6-7। और ये वाली भी कुछ रेबिट्स थी, ये हमारे पास अंगूरा में थी लेकिन ये डार्क ब्राउन कलर में थी। ये वाला वाइट था, इस तरीके का मेरे पास भी था वाइट कलर का मेल जो कि मर गया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे माशाल्लाह, काफ़ी एक्टिव थे, बहुत एक्टिव थे। तो गाइस, मैं भी वापस घर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे 2 रेबर्स जो हैं मेरी पसंद के दे दिए। तो बस मैं भी चिंची में बैठा हुआ था, घर जा रहा था और ये शॉपर है और शॉपर के अंदर 2 रेबर्ट्स हैं मेरे पास जो कि मैं घर लेके जा रहा हूँ। उसने कहा जितने लेके जाना चाहते हैं, मैंने कहा यार बस 2 मुझे चाहिए, बस 3 फीमेल वैसे भी पड़ी हुई है रेबर्ट्स की, तो बस 2 मेल चाहिए। तो ऐसे में भी घर पहुँच गए और मैं अभी रेबर्ट्स जो है मैंने ऊपर ले आया हूँ छत पर उन रेबर्ट्स को। तो मैं भी आपको बताता हूँ रेबर्ट्स शॉपर से निकाल के। तो गाइस, ये हमारे पास शॉपर में हैं 2 रैबिट्स, ये दोनों मेल हमारे पास हैं। असल में मेरे पास 3 फीमेल रैबिट्स थी और जितने भी मेल आया था वो मर गए थे, तो मैं मेरे दोस्त के पास रैबिट्स ज़्यादा थी तो मैं उसे 2 मेल ले आया। ये 2 मेल हमारे पास हैं, इतना ही खूबसूरत है। मेरे पास इस कलर के बिल्कुल नहीं थे, यहाँ पास ब्राउन और वाइट मिक्स है। एक ये हमारे पास है और एक ये वाला काफ़ी तेज़ है, ये वाला घास पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं इनको बाकी भी रेबर्ट्स के पास छोड़ता हूँ। तो गाइस, मैंने इनको नीचे रख दिया है और बाकी रेबर्ट्स वहाँ हैं। और ये 2 हमारे पास, एक ये है और एक यहाँ पे। भूखे हैं ये दोनों, इनको पिंजरे के पास लेके जाता हूँ, वहाँ पे वैसे भी गोभी के पत्ते मैंने डाले हुए हैं। तो गाइस, गली में एक छोटा सा किटन हमारे पास था और ये जो कि नाली में पड़ा हुआ था और काफी गंदा हो चुका था। तो बच्चों ने आगे दरवाज़ा खटखटाया, मुझे कहते थे सर ये आप ले जाएं। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा गंदा हुआ है, साथ में हमारे पड़ोसी हैं उनका बच्चा था वो गया था, तो ये मैं लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ, क्योंकि इसके साथ 2 और भी थे किटन्स ना, वो कोई ले गया था। हाँ प्यारी हैं, इनका जो तीसरा वाला था वो बाहर था, वो साकिब ले गया है ना, माशा बड़ी क्यूट है। प्यारी है दोनों, एक मुझे बहुत प्यारी हैं दोनों। तो गाइस, ये दोनों किचन हमारे पास उसी किचन के साथ उसी किचन के साथ के हैं, वो जो गली में लगा था ये दोनों किचन का कलर का वाइट कलर के, ये दोनों किचन दोनों काफी ज्यादा क्यूट है। ये वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये जो फूल है वो इस वाले की जो पूरा जिंजर कलर का है, वाइट वाला इसकी आईज बिल्कुल खूबसूरत है, वो डॉल ग्रीन कलर की आईज है, वो फेस वाला इतने ज्यादा पसंद नहीं है। ये वाइट कलर का जो है ये वाला मुझे काफी कमजोर पसंद है और ये वाला क्यूट सा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज्यादा क्यूट है, काफी ज्यादा क्यूट है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपके साथ, एक नेक्स्ट मुलाकात होती है आपके साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।